ओके सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए इंडियन रेलवे के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। यदि आप ट्रेन में सफर करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले। दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें बताया गया है अगर आपको ट्रेन से यात्रा करनी है तो भूलकर भी गाइडलाइंस को अनदेखी न करें, नहीं तो लग सकता है जुर्माना। जानिए क्या है गाइडलाइंस। कोरोना महामारी के कारण बंद की गई रेल सेवा अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। ट्रेन शुरू होने से यात्री अब चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को एक बार फिर से लोगों को चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी सुरक्षा को लेकर भारतीय रेलवे लोगों को जरूरी गाइडलाइंस पालन करने की सलाह दे रहा है। बता दें कि ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना से लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि रेलवे अपनी तरह से पूरी एहतियात बरत रहा है और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए कोरोना के संबंधित गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह यात्रियों को कर रहा है। रेलवे के इन गाइडलाइंस में यात्रियों को मास्क पहनने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है, लेकिन सलाह नहीं मानने पर यात्रियों को अब कोविन गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए रेलवे पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। बता दें कि इसी सख्ती को लेकर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों मास्क नहीं पहनने पर फरवरी में 2200 यात्रियों पर जुर्माना लगाया है और यात्रियों से रेलवे ने अब तक कुल 3,21,000 रुपये की वसूली की है। जानिए क्या है गाइडलाइंस। रेलवे स्टेशन पर एंट्री केवल कंफर्म टिकट के जरिए होगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भी टिकट दिखाना जरूरी होगा। यात्रियों को यात्रा के समय से करीब 1.5 घंटा पहले स्टेशन पर पहुँचना होगा ताकि थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी हो सके। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होगी और ट्रेन में एंट्री करते समय यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। सफर के पहले या सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना जरूरी होगा। यात्रा के दौरान कंबल चादर पर्दे रेलवे की ओर से भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को सुविधा के लिहाज से कम लगेज रखने की सलाह दी है। ट्रेन पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी को नियम का पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है। यात्रियों के लिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। रेलवे की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया गया है। यदि आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोगों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।